परेश को अक्सर लगता है कि कोई उसे चेक कर रहा है और ये चीज़ उसे असहज कर देती है। छोटे बच्चों की क्लास होती है, छोटे बच्चे, उनकी टीचर सामने बैठती है उनकी कॉपी वगैरह लेकर के, उनके भी एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, अपना लेके बैठी है, चेक कर रही है। अनुभव से बता रहा हूँ, बचपन में ऐसा देखा है, अनुभव भी किया है। अब उसी क्लास में एक बच्चा होता है जो बहुत खुश होता है कि उसकी कॉपी चेक की जा रही है, वो इंतज़ार कर रहा होता है, वो देख रहा होता है ऐसे उठ उठ के बार बार कि मेरी वाली चेक कर रही है कि नहीं कर रही है। और फिर जैसे ही देखता है उसकी कॉपी चेक हो रही है, वो तो बहुत खुश हो जाता है। और एक और होता है, वो मन्नत मांग रहा होता है कि मेरी ना चेक हो, कोई चेक ना करे मुझे। तो तुम्हारी समस्या ये है कि तुम चेक किए जा रहे हो, या ये है कि पर्चा खराब लिखा है? क्योंकि चेक किया जाना तो बड़े गौरव की और बड़े हर्ष की बात भी हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि हमें चेक किया जाए। हम छोटे थे बचपन में, तो टीचर चेक करके स्टार बनाती थी, वन स्टार, और बड़ा शौक था 5 स्टार लेने का। वो बनाती थी अपना पूरा समय लेके, ऐसे बनता था एक एक ऐसे त्रिभुज, और फिर उसको काट के उस पर एक और ऐसे, एक बड़े बड़े 5 स्टार, बड़ा अच्छा लगता था। जिस दिन काम अच्छे से कर रखा होता था, उस दिन इंतजार करते थे कि हमारी कॉपी कब चेक होगी, आज 5 स्टार मिलेगा। चेक होने से दिक्कत क्या है? नहीं, ज़रूरत क्यों नहीं है? अगर सब ठीक है तो होने दो ना चेकिंग। सरकारी दफ्तरों में फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, उड़न दस्ते, वो औचक निरीक्षण करते हैं, अचानक पहुंच जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। उनसे सबसे ज़्यादा घबराता कौन है? हाँ, अरे ये क्या बोल दिया इसने? कोई चेक कर रहा है तो अच्छी बात है, तुम शान से बोलो कि आओ करो चेक, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना कर रहे हैं। अब जितनी हमारी सामर्थ्य है नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। जितना ज्ञान है, जितनी कुशलता, जितनी काबिलियत, कर रहे हैं भाई, अपनी ओर से हम ईमानदार हैं। अब उसके बाद भी कुछ गड़बड़ाता हो काम, तो उसकी मर्जी। महामानव तो नहीं पैदा हुए हैं, शरीर भी थकता है, ज्ञान भी कम है। ऐसा भी नहीं है कि काम में बड़े सिद्धस्थ हो गए हैं, लेकिन अपनी ओर से बेईमानी नहीं करी है, चीटिंग नहीं करी है। जिसने चीटिंग नहीं करी है, वो चेकिंग से भी नहीं घबराएगा। तो चेकिंग से घबराना नहीं है, और खुला कहना, आइए आइए हमारा तो देखिए। आइए हमारा भी देखिए। अपना जमीर साफ रखो, मन अपने आप साफ रहेगा, उसमें अंडबंड चीजें फिर नहीं डोलेंगी। ठीक है।